तो हिल्स लाइव का प्रिय दर्शक, मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आज हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबको पता है जो इलेक्शन में जा रहे हैं 18 को, एक दिन बाद भी। और यहाँ पे हम लोग का जो हिल्स लाइव स्टूडियो है, यहाँ पे हम लोग का साथ में आज समय दिया है सामूहिक प्रसंगों से विप्लव देव, जुगोसंघों से शिवन प्रसाद नाथ और नवपत्रा प्रसंगों से प्रशांत भट्टाचार्य जी। और साथ में हम लोग का राष्ट्रीय खबर जो नेशनल एक पेपर का एक जर्नलिस्ट यहाँ पे आया, जो कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा नॉर्थ ईस्ट का ब्यूरो है, नॉर्थ ईस्ट को देखभाल करता है, नॉर्थ ईस्ट का खबर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है हम लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेन गोस्वामी जी, आपने हम लोग का स्टूडियो में आया। तो हम लोग ये जो चर्चा है ये खाली बात करेंगे जो हमारा डिमासव का ही कन्फाइन करके रखेंगे साथ में, क्योंकि डिमासव एक सेगमेंट है और चार सेगमेंट है कर्बी आंग्लों में। हम लोग ये पांच सेगमेंट लेके एक कंस्टिट्यूंसी डिफू तीन नंबर कंस्टिट्यूंसी है उसको हम लोग इलेक्शन में जा रहे हैं। तो हम लोग कैसे वो देख रहा है, वो सिनारी कैसे देख रहा है, क्यों ऐसा हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो और सबसे बड़ा बात होगा जो हमारा डिमासा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो इलेक्शन का जो एंथुसिज्म जो है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है पूरा देश का भीतर में, इसलिए हम लोग बातचीत करने में। तो हम लोग पहले हम विप्लव जी से पूछना चाहूँगा, तो आपका नज़र में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में आने वाला वर्ष जो इलेक्शन होते जा रहा है उसमें आप किस नज़र से देख रहे हैं और क्या क्या मुद्दा को लेके हमारा यहाँ का जो वोटर्स है उन लोग कैसे करके आगे जाएगा और उनका लिए मुद्दा क्या रहेगा? पहले तो मैं हिल्स लाइव का जो दर्शक है उनको जो नए साल का और बिहू का शुभकामनाएं देता हूँ। तो 18 को डिफू कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन है, जो डिफू कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ तीन जिला मिलके एक डिफू लोकसभा सीट है। तो इस बार जो मुद्दा है वो उन्नयन का मुद्दा है। हमने देखा है कि डिफू जो ये सीट है उसमें जो भी एमपी जीत के आता है वो इस डिमा हसाओ जिले के लिए आज तक भी कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। हमने लास्ट जो 30 ईयर्स है उसमें देखा है एमपी का जो एमपी होता है उसका जो एमपी डेवलपमेंट फंड होता है इससे डिमा हसाओ में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए इस बार डिमा हसाओ का जो वोटर्स है वो अब डेवलपमेंट की हिसाब से ही वोट डालेंगे। तो हम लोग देखा जो इस तरह का दर्शक आपने बताया विप्लव जी ने जो उन्नयन का ऊपर, हम शिवन प्रसाद जी से हम पूछना चाहूँगा, मैं जानने को कोशिश करूँगा जो उनका नज़र से ये जो निर्वाचन जो इलेक्शन आ रहा है हमारा डिस्ट्रिक्ट का आदमी कैसे कैसे तरीका से वोट देने को कितना कितना एंथुसियास्टिक है, कितना खुश है और कितना बेखोश है ये इलेक्शन का ऊपर में? ये इलेक्शन ऊपर में सच बात बोलने से हम यही बोलने लगेगा अपने डिस्ट्रिक्ट का आदमी को, क्योंकि लास्ट 7 टाइम्स वीरेंद्र सिंह इंट्री एमपी हिसाब से काम करा, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली डिमासा डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम भी नहीं करा, डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए डिस्ट्रिक्ट का आदमी को अभी सच बोलने से परिवर्तन चाहता है, दैट इज कांग्रेस को वोट देने नहीं मांगता, इसे भी आवाज को भी कोई कोई जगह में उठा, ये है बात। तो आपने सुना जो इन्होंने उनका नज़र बताया थोड़ा सा ये करके ही बहुत सुंदर से बताया। तो हम बोलने जाऊँगा जो पूछने जाऊँगा हम लोग का और एक संवाददाता जो है प्रशांत भट्टाचार्य जी, उन्होंने कैसे देख रहा है ये इलेक्शन? मैंने पहला हिल्स लाइव के दर्शक के और दर्शक को और हिल्स लाइव का और एडिटर अनूप जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ नया साल में। तो ये इलेक्शन का मुद्दा देख रहा हूँ मैं, जो 7 बार मतलब बीरेन्द्र सिंह नंतिया का हमारा ये दो जिला का डिस्ट्रिक्ट से एमपी सिलेक्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ काम किया नहीं है डेवलपमेंट में। तो हम ज़्यादातर देखते हैं जो बीजेपी आने के बाद में, जो हमारा काउंसिल में परिषद में जो बीजेपी आने के बाद में 2 साल में पहला देवलाल गांडोलकर का नेतृत्व में परिषद ने बहुत डेवलप किया है, और इसके बाद भी
इसके बाद फिर दो साल बाद में फिर इलेक्शन हुआ, कितना दिन आगे इलेक्शन होके गया, इसमें और सारे डेवलप कर लिए, उन्होंने जीत के आया। और हमारा जो ख्याल आता है, ये ख्याल में जो आप लोगों का पब्लिक, जो हमारे डिमांड का पब्लिक बीजेपी के पक्ष में या वोट देंगे डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट सोच के। तो ये हम समझा जो मुद्दा, जो इस मुद्दा का ऊपर जैसे डेवलप विकास का ऊपर देंगे, वो बात तो अलग है, वो हम लोग समझ में आ गया। और हम लोग और भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, तो हमारा आदमी का, जो डिमांसाओ का आदमी क्यों इतना इंटरेस्टेड नहीं है, और उनका जो कैंडिडेटचर लेने के लिए ये हम लोग दिखाई नहीं दिया काफ़ी दिन से, ये क्या कारण हो सकता है? विप्लव जी आप बताइए। देखिए, पहले बात तो ये है कि जो एमपी का जो कैंडिडेट होता है ये डिमांसाओ डिस्ट्रिक्ट से नहीं होता है, क्योंकि जो नेशनल पार्टी बोलिए, रीजनल पार्टी बोलिए, ये डिमांसाओ को गिनती में पकड़ते ही नहीं। अच्छा, तो इसलिए ये लोग डिमांसाओ से कोई कैंडिडेट नहीं देता है। तो डिफू से सब कैंडिडेट खड़ा होता है, तो डिफू से खड़ा होने का बाद ये लोग जब जीत के आता है तो डिमांसाओ की तरफ एक बार भी नहीं देखता है। अच्छा, मेन रीजन ये है, इसलिए यहाँ पे जनरल पब्लिक का एमपी इलेक्शन लेके इतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, क्योंकि हमने इतना साल से जो देखा है, जो भी, मैं वो डेवलपमेंट मुद्दे में नहीं जा रहा हूँ, जो भी जीत के आया यहाँ पे कुछ काम नहीं किया, क्योंकि आप देखेंगे पूरा जिले में कोई जगह पे एमपी फंड से जो काम हुआ है उसका कोई साइन बोर्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो जो लोकसभा का जो वोट होता है, इसमें जनरल पब्लिक का इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल ही मेन है। तो काउंसिल का ऊपर में सबको, जो काउंसिल का जो इलेक्शन होता है उसमें हम देखा कि एक फेस्टिवल की तरह होता है, तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपमेंट काउंसिल का थ्रो होता है। अच्छा, इसलिए आदमी को काउंसिल का इलेक्शन का ऊपर में ज्यादा ही नहीं। फिर भी तो एक एमपी मतलब जो कि रिप्रेजेंटेटिव बनता है लोकसभा में, तो इतना साल से हम लोग है ही नहीं, तो क्या हम लोग को कोशिश नहीं करना चाहिए कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाए? तो वो कैसे अब लोग देख रहे हैं, कैसे हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग का यहाँ से कोई कैंडिडेट देना चाहिए बोल के किसी का भी डिमांड नहीं। अच्छा, कोई भी बोलो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जो एनजीओ है, कोई भी है, जनरल पब्लिक, उनको डिमांड नहीं है कि हमारा यहाँ से कैंडिडेट दो। इसलिए हर बार यही होता है कि जो नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी, ये लोग हमारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं सोचता है। अच्छा, चलो कार्बी एंगलोंग में ही देता, क्योंकि वहाँ पे चार एमएलए सीट है, तो उसी का ऊपर ज्यादातर उस लोगों का नजर रहता है, इसलिए ये हो रहा है। तो उसको बदलना चाहिए, इसके लिए पब्लिक को जागरूकता होना, पब्लिक में जागरूकता होना चाहिए, जो हमें एक यहाँ से भी एमपी कैंडिडेट चाहिए, उसका डिमांड उठना चाहिए, मैं मानता हूँ ये जी। तो आप प्रशांत जी आप बताइए, जो इस हालत में अभी देखिए, जो भी एक क्राइटेरिया होता है जैसे एक एमपी होने के लिए, तो हम लोग जो देखता है दो टर्म खाली राज्यसभा में एमपी मिला, इसका मतलब हो गया हम लोग का जितना इंडिपेंडेंस के बाद से डिमांसाओ ये जो वार्ड है नॉर्थ कचहरी जो पहले जाना जाता, उसका एक रिप्रेजेंटेशन कभी भी पार्लियामेंट में नहीं गया। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हमारा डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं है? अनूप जी, देखिए अनूप दा, हम बता रहे हैं जो ये पहला मुद्दा हो गया कि हमारे यहाँ एक समष्टि होने के बारे में, हमारे यहाँ वोटर्स कमती है, पहला ये हमारा ध्यान में आता है। वोटर्स कमती है इसलिए कि वहाँ में चार समष्टि है, उसका लगभग आपको 7 लाख समथिंग 900 कितना है, उसमें 1 लाख हमारे यहाँ वोटर्स है। तो हमारे विप्लव जी से हम सहमत है क्या, हमारा नेग्लिजेंसी मतलब हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट को वोटर के तरफ से हमको नेग्लिजेंस करके रखा हुआ है, और हमको कोई उन्नयन तो हुआ नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ से तो कोई एमपी होता नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का उसमें कोई सपोर्ट नहीं है जो यहाँ से एमपी होना चाहिए, और इसलिए हमारा ख्याल में इसलिए कुछ हमारे यहाँ में कमी कुछ आता है। लेकिन हमारा ये आशा रहता है जो हमारे यहाँ एमपी अगर
डिफू से भी जीतता है तो हमने थोड़ा डेवलप होना है, ये तो हमारा आशा रहता है हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन हम विप्लव जी से सहमत है, ये इसके बारे में कुछ उसमें रुकावट आता है। आता है तो ये भूपेन गोस्वामी जी, आपने थोड़ा बहुत ये सुना है जो फिलहाल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का है तो ये अनरिप्रेजेंटेड अवस्था में है पार्लियामेंट में। इस हाल में हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट का कितना डेवलपमेंट हम लोग आशा कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? जी मैं आज सुबह से आपके साथ था, गली गली तक देखा है जी। लेकिन इधर मैंने एक मुझे एक ख्याल आया, वो जो जितना पब्लिसिटी होना चाहिए, कैंपिंग जितना होना चाहिए अभी नहीं हुआ जी। कुछ भी कोई पूछता भी नहीं हुआ लोगों को, साथ कोई कोई पॉलिटिशियन को, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो बात करना है वो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है वो जो डिफू सीट है वो उसका भी कोई दिमाग हो कि कोई उसका मतलब ही नहीं है जी। और डेवलपमेंट तो ही नहीं, मैंने देखा जो रास्ता क्या हाल बना रखा है, सारा रास्ता कुछ भी नहीं है। ये तो पब्लिक तो एक अवेयरनेस आना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस। तो इस मामले को ठीक करने के लिए आपका नजर से क्या रहेगा, आपका क्या सजेशन रहेगा? इस सजेशन ये है जो पब्लिक के जो अवेयरनेस थे वो तो मेन चीज है, जो पब्लिक को आगे जो विप्लव जी ने बताया जो उसको भी आवाज उठाना चाहिए जो हमारा ये डिमांड है, अगर नहीं हमारा ये डिमांड फुलफिल नहीं किया तो हम बॉयकॉट करेंगे। दिस टाइप ऑफ डिमांड आना चाहिए, डिमांड आना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। और जो पीछे बीरेन सिंह हम देखा है, पार्लियामेंट में भी देखा है, जो वो हमेशा ये कुछ भी क्वेश्चन भी नहीं किया। अच्छा तो हम लोग फिर से बात करेंगे, तो बात से पहले हम लोग छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। तो इसलिए प्रिय दर्शक, हम लोग छोटा सा ब्रेक के बाद में फिर से आया, फिर से आप लोग को स्वागत करता है और ये बात आगे भी चलाएगा। और हम लोग इस मामला में आया जो हम लोग का जो डिमासा और डिस्ट्रिक्ट है, ये पॉलिटिक्स जो बोलते हैं वो राजनीति में हम लोग बहुत पीछे है और हम लोग को डिप्राइव किया गया है, हम लोग बहुत इंजस्टिस हो रहा है हम लोग का ऊपर। तो ये बात जारी रखते हुए हम लोग बोल इसका ये देखिए, उसमें सबसे यंगेस्ट है 39 ईयर्स पर। तो फिर हम लोग चाहता है आज का ज़माना हो गया, कोई भी कुछ अच्छा काम करने के लिए एडुकेशन भी चाहिए। तो हम लोग ये सब मुद्दा आप लोग का नज़र में कैसे लग रहा है, कौन सा कैंडिडेट कितना कर पाएगा ये एडुकेशन देखने में, आप लोग कैसे सोच रहे हैं उसको कि कैंडिडेट को एडुकेशन होना चाहिए, यंग होना चाहिए या ओल्ड एज का ज़्यादा उम्र वाला आदमी को होना चाहिए, कौन सा कैसे होने से हम लोग का देश आगे बढ़ेगा, आप लोग कैसे सोचते हैं? विप्लव जी बोलिए। देखिए पहली बात यह है, इस बार जो कांग्रेस जो कैंडिडेट दिया है लगभग उनका एज 86 होगा, तो इसमें मेरा हिसाब से तो कांग्रेस में कोई और कैंडिडेट जरूर हो सकता था, लेकिन वो ये जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने इस जो ज़्यादा एज हो गया उनके ऊपर ही ज़्यादा विश्वास रखा। तो इसमें एक बात है जो बीरेन सिंह थी, लास्ट 7 टाइम जीत के आने का बाद हमने देखा है पार्लियामेंट में हमारे जिला के एक मुद्दा लेके बात नहीं करने के लिए बात नहीं किया है, तो पार्लियामेंट में बैठ के भी वो सोता था। तो ऐसा आदमी का अगर कैंडिडेट देगा तो आप सोचिए जो इस डिस्ट्रिक्ट का क्या हो सकता है। हमने देखा है जो अभी जो हरिराम टेगम जी, उनका भी शायद उम्र थोड़ा ज़्यादा है, वो
वो भी थोड़ा एजेड है। आई मीन कथार भी तो रिटायर्ड ऑफिसर है। रिटायर्ड ऑफिसर है और इससे वो तीन कैंडिडेट के कैंडिडेट छोड़ के जो अभी जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है जो हरन सिंह बे उनका एज थोड़ा कम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी ये इस बार इस पे भरोसा रखा है कि हमारा कम एज का एक कैंडिडेट यूथ्स को प्रायोरिटी। ओके, तो कौन डेवलप्ड किया कौन नहीं किया वो मैं बताना नहीं चाहता, कौन सा एमपी किया है वो मैंने, लेकिन हमने देखा है इस डिस्ट्रिक्ट में कोई तो डेवलपमेंट का काम शुरू किया है थोड़ा बहुत। जब कोई डेवलपमेंट का काम शुरू करता है तो उसको करने देना चाहिए, पब्लिक भी सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक का भी सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन ठीक है, उसको आलोचना भी होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव आलोचना होना चाहिए, क्योंकि कोई अगर डेवलपमेंट का काम के लिए इंटरेस्ट दिखाता है तो उसको सपोर्ट का साथ सबको उसका साथ देना चाहिए। तो अगर हम लोग सब उसको साथ देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट हमने देखा है पिछले दो दशक के बाद हम एडुकेशन की तरफ हमारा ये जिला आगे जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसी तरह चलेगा तो आगे भी एडुकेशन में बहुत आगे जा सकता है हमारा ये डिस्ट्रिक्ट। तो इसके लिए हम सबको मिल के काम करना होगा, तब जाके हमारा डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा। तो हम शिवन प्रसाद जी से हम बात करने का वो चाहता है कि आपने कैसे देख रहा है, आप तो काफ़ी साल से हफलाओं में काफ़ी साल से ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, सांवादिकता कर रहे हैं, काफ़ी एरिया आप घूमे होंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है सबको पता है जो पहाड़ी जिला बहुत पिछड़ा हुआ होता है, तो इस जमाने में कितना चेंजेस आया और आगे ये चेंजेस को आगे ले जाने के लिए हम लोग को पब्लिक क्या करना चाहिए और पॉलिटिशियन क्या करना चाहिए? देखिए, लास्ट टू एंड हाफ इयर्स हम लोगों को देवलाल गोलोसन नेतृत्वाधीन ऑटोनोमस काउंसिल में बहुत नहीं बोलने से भी बहुत काम हुआ। अच्छा, बहुत काम हुआ। ऐसे में भी सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट होने से और भी काम करेगा, ये तो हम आशा करते हैं। ढाई साल में कोई ज्यादा काम कर नहीं सकता, लेकिन शुरुआत तो किया है, वही शुरुआत किया है। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। हम लोग का छोटा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन एक बात आप लोग और भी हम लोग जानने को और हमारा हिल्स लाइफ पर दर्शकों को जानने को, क्योंकि उन लोग का जानना चाहता है, उन लोग का क्वेश्चन है। जबकि देखा जाता है जिफू कर्बी हम लोग जो ऑटोनोमस काउंसिल है वो भी बीजेपी का हाथ में है और यहाँ पर भी बीजेपी का हाथ में, तो इस हालत में ये जो इलेक्शन हो रहा है उसमें तो इतना क्लियर कट कुछ देखने मिलता कि नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं? ये दो डिस्ट्रिक्ट का जो दोनों काउंसिल बीजेपी का अंडर में है, तो ये इम्पैक्ट है कि नहीं इस इलेक्शन में? जरूर है, कुछ ना कुछ तो है, इम्पैक्ट रहेगा। इसलिए कि यह पाँच साल, ये तो एमपी इलेक्शन है, तो यह पाँच साल जो एमपी का जो एमपी का इशू आएगा, तो एमपी का इशू आने में हमारा राज्य सरकार भी बीजेपी का है, हमारा यहाँ परिषद का भी बीजेपी है, और सेंट्रल में पाँच साल बीजेपी, थोड़ा बहुत आदमी से जो हम लोग मिलजुलता है, हम लोग पूछते हैं उनको, तो बीजेपी थोड़ा काम किया है, उनका इम्पैक्ट तो जरूर गिरेगा बीजेपी का ऊपर, इम्पैक्ट रहेगा, अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। नहीं, वही और दूसरा बात ये भी है जो काउंसिल इलेक्शन और काउंसिल पंचायत हो मतलब जो असेंबली हो एंड पार्लियामेंट, fully difference between council election and parliament election. जो भी हो थोड़ा तो ये होगा, मतलब ये जो नौजवान है उनका क्या उम्मीद है, वो क्या बोलता है, वो क्या करना चाहता है, वो तो अलग है। नहीं, इम्पेक्ट ये रहेगा मेरा हिसाब से, जो इस बार का जो वोट होगा वो उन्नयन का मुद्दे पर ही होगा, तो पब्लिक ये देखेगी जो किस टाइम गया पाँच साल कैसा हुआ, क्या कैसे डेवलप्ड हुआ, आगे कैसे होगा, ये ध्यान में रखते हुए पब्लिक वोट करेगी, ये निश्चित है।
अच्छा, तो हिल साहब का प्रिय दर्शक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का ये देखने के लिए, और ये हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे क्या होते रहेगा। तो हम लोग और आगे भी ऐसा चर्चा आप लोग को सुनाएंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का स्टूडियो में आके हम लोग का मनोबल बढ़ाया और इतना सुंदर आप लोग वार्तालाप किया, और हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो एक तरफ डेवलपमेंट और एक तरफ इलेक्शन दोनों को चर्चा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग। आपका